felt so alive in my life. 'Cause you make me come to life. Hello guys, good morning and once again welcome to our new vlog. आज के हम सुबह सुबह स्टार्ट कर रहे हैं और मैं जल्दी उठ चुका था 6:30 बजे और टाइम अभी 8:10 हो रहा है और वैसे ही मैं काम कर रहा था, थोड़ा बहुत काम जो बचा था वो काम करने के बाद अब देखते हैं और क्या काम बचा है, वरना खाना वाना खा के ब्रेकफास्ट करते हैं। तो अब किचन में आए हैं, बना रही है वड़ा। तो से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, वड़ा जब बनाते हैं ना उसके, चल ठीक है साउंड इतना गोल तो बना देते हैं लेकिन बीच में वो छेद क्यों डालते हैं? ताकि पूरी जगह से पक जाए। इडली में तो नहीं करते ऐसे? इडली को स्टीम करते, इसको स्टीम थोड़ा करते हैं। तो इसे फ्राई कर रहे हैं ना? हाँ, तो सारी जगह से नहीं होते ना वो, मतलब बीच में रह जाता है कच्चा कच्चा। हाँ, इसलिए बीच में करना पड़ता है। सकते हैं, देखते चलो। कुछ भी कह रहे, लेकिन जो साउथ इंडियंस है ना उनको जो है पीनट्स की चटनी ज्यादा अच्छी लगती है नॉर्मल दाल से। अभी 5:15 हो रहा है और अभी ना आधी अधूरी नींद ली और काम भी बचा था वो भी कर लिया थोड़ा बहुत, एंड देखते हैं अभी थोड़ा बाहर जाते हैं, फिर जो जो काम है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। हमारे रूम में फिर से खेल जाते हुए, पता नहीं अभी बार खाए नहीं सर ने, ये तो खराब ही हो गया, जल्दी खा लेंगे जल्दी चल। और एक और स्कैम होते हुए इसका डायरी ख़राब हो चुका है, ये तो कैसे भी शो के लिए ही है कुछ ना कुछ। आज हमने ओरियो आइसक्रीम हमने ट्राई करी थी स्पून लगा के, वो भी स्टिक। तो जैसे कि आपने अभी भी देखा था हमने आइसक्रीम खाई थी, आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी थी और इसने बनाई थी, तो थोड़ा प्रोसेस बता दे जो हमारे व्यूअर्स है वो भी देख के घर पे बैठे बैठे बनाएंगे। पहली बात वो आइसक्रीम है, वो कुल्फी, ओरियो कुल्फी कहते हैं उसे, ठीक है समझा? बेस्ती, हैशटैग बेस्ती। और प्रोसेस बस तीन ही चीज चाहिए अपने को, एक तो है ओरियो बिस्किट, देन दूध, और एक चम्मच या फिर उसके ऊपर कुछ स्टिक करने के लिए लकड़ी की तरह, और ऊपर चॉकलेट सिरप। बस पहले हमें ओरियो को जो है अच्छे से स्मैश करना है, ताकि हर एक ग्रैन्यूल जो है थोड़ा थोड़ा रह जाए, मतलब पूरा भी स्मैश नहीं करना है। उसके बाद उसके अंदर दूध डाल देना है एंड उसको ना फ्रीजर में रख देना है फॉर नियरली 4 to 5 hours। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसके बाद उसको निकालना है, जब वो पूरा फ्रीज हो जाएगा अपने पता चल जाएगा ना फ्रीज हो गया है। उसके बाद उसको निकाल के उसके ऊपर हर्शी से डेकोरेट कर दो, इंजॉय योर ओरियो कुल्फी। जो अभी देखी थी ना वही थी, उसमें इतनी अच्छी लग रही थी वो टेस्ट। कुछ ना कुछ काम कर लो, घर वालों को कुछ खिलाओ, मतलब मैं भी ऐसा ही हूँ तुम्हारे जैसा ही कुछ इतना फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। बस मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो नहीं बनाते। एक इम्पॉर्टेंट टिप या फिर इम्पोर्टेंट बात तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैंने देखा है जब भी मैं मेरे सेम के एग्ज़ाम या फिर साउंड ज़्यादा आ रहा था उसने फ़ैन ऑफ किया था, तो मैंने देखा था कि जब भी तुम्हारे सेम एग्ज़ाम या फिर कोई से भी अकेडमिक्स हो जाते ना तब तुम इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन अगर किसी काम जो तुम्हें प्रोजेक्ट या फिर कोई तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम्हें करने का मन कर रहा है, तुम पता नहीं उसके बारे में क्या क्या कर लेते, तुम्हें मल्टीपल वे पता चल जाते हैं। मैंने वैसे ही एक काम के लिए सोचा था, मतलब नॉर्मली काम था, लेकिन मुझे बताओ उसमें लग रहा था कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। मैंने, चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं तुम्हें, मैंने 7-1 में एक एग्जाम, मतलब हमारे एक प्रोजेक्ट था मिनी आरसी प्लेन का, यहाँ पे मैं फोटो दे दूँगा मिनी आरसी प्लेन का, तो मैंने उसके लिए रात को 2 बजे तक, मैं 2 बजे तक कंसिस्टेंटली हम काम करते थे, मैं जागरूक एंड पूरी टीम थी, मतलब भरत हम सब मिलके हमने बनाया था वो, तो लिटरली मैंने वहाँ पे काम किया था 2 बजे तक, और अकेड के टाइम पे तो मैं 12 बजे आउट। लेकिन ये बता रहा हूँ वन डे बिफोर, बैटिंग तो सभी जगह चलती है लेकिन वन डे बिफोर छोड़ के, तो जिस भी काम को आप जो है थोड़ा इंटरेस्ट से कर रहे हो ना तो उसे पता नहीं आपको पता नहीं चलता वो टाइम कितनी जल्दी खत्म हो जा रहा है।
अगर आप इसी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि यस हमारे साथ भी ऐसे होता है। मैं तुम सबको देख रहा हूँ, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अरे जो कर रहा हूँ, 90 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और सब्सक्राइबर बचे हैं 100 होने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसे बस 100 करना है हमें, तो टारगेट लेते हैं 2-3 दिन का टारगेट लेते हैं, 2 डेज का। विद इन 2 डेज के अंदर ये 100 हो जाना चाहिए, आप सबको करना पड़ेगा। सो यू शुड हेल्प मी एंड तो फिलहाल अभी डिनर करते जाके सभी ने कर लिया है और 9:30 हो चुका है। मैं थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा काम था, काम अभी अभी ख़त्म हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ उसे थोड़ा मतलब नाइट करेंगे करने के, खाना खाने के आने के बाद। और आप सब ऐसा सपोर्ट दिखाते रहिए, हम भी हमारा सपोर्ट दिखाते रहेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल अभी डिनर करते हैं वरना घर से बाहर है। तो जैसे कि आप देख सकते हो टाइम 12:36 हो रहा है और काम चल ही रहा है, मैंने वीडियो को भी एडिट नहीं किया, अभी थोड़ी देर के बाद करना है। यस मैगजीन काम हो चुका है और हम अभी एडिट करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। फिर अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। पानी भूल गए थे।